वोट लोग दल को देंगे, विकास हमें तो कहीं देख नहीं रहा। ज्यादा वोट किसके पड़ेंगे गांव में? लोक दल के मुकाबला बराबर का है यहाँ, भाजपा विनर होगी। मुजफ्फरनगर में मौजूद है सनराइज न्यूज की टीम। मुजफ्फरनगर के विधानसभा बुढ़ाना के सिसौली गांव में हम मौजूद है। सिसौली गांव वही गांव है जिसमें राकेश टिकैत किसान नेता और नरेश टिकैत का घर है, उनका गांव है। यहां पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या अब किसान, जबकि तीनों कृषि कानून बिलों को सरकार ने वापस ले लिया, पूरे 13 महीने के बाद जब किसान आंदोलन चला उसके बाद कृषि कानून बिलों को वापस ले लिया गया, क्या अब किसान खुश है, क्या गन्ने का भुगतान हो गया, या अगर मैं विकास की बात करूं तो क्या उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में इनके विधानसभा क्षेत्र तक विकास की वो डोर पहुंची है या नहीं पहुंची है। तमाम लोग जो यहाँ गांव के बैठे हैं सिसौली गांव के, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देशपाल बंजी। क्या लगता है विकास पहुंचा है आपके विधानसभा क्षेत्र तक? विकास तो पहुँचा, इस बात नहीं, मकान नहीं बने सिसौली में, 3000 से ऊपर मकान बन लिए, विकास को नहीं पहुँचा। लेटरिन बाथरूम सब मिल बन गए सबके, और भाई राशन मिल रहा बराबर। तो अगर मैं किसान की बात करूं तो किसान खुश है? किसान तो खुश है, यहाँ पेमेंट टाइम पर आ रहा है, कतौली शुगर मिल से यहाँ तो खुश है भाई, हम कतौली पर गन्ना डाल ले, हमारा तो पेमेंट बराबर आ रहा है। गन्ने का पेमेंट आ रहा है पूरा बराबर आ रहा? क्यों बाबा जी, गन्ने का पेमेंट आ रहा है पूरा? इनका आ रहा है, हमारा तो आया नहीं। इनकी कोई अलग हिसाब किताब चल रहा है क्या? हाँ, हमारा कतौली पे, इनका गाँव डोली पे, पिछले साल का भी ब्लॉक कर दिया नहीं, फरवरी में पिछले साल का, इनके वाले पे ही क्यों ना डाल लेते कि फिर वहीं से पेमेंट में? बॉन्ड तो नहीं बदलते, जोन से जिस पे लग रहे लग रहे। अच्छा, तो इनका भी कुछ भला करवा दो, कुछ है जुगाड़? है कतौली पे भी, इनका बॉन्ड कतौली पे ही है, इसका झूठ बोल रहा है, इसका पेमेंट बराबर आ रहा कतौली। झूठ बोल रहे हो क्या? यू झूठ बोल रहे, इसकी मदद दुबा दो। ऐसे कैसे दे? अच्छा तो आखिरी पेमेंट कब आई थी? आखिरी पेमेंट तो अभी आई थी भाई, खतौली तो बराबर दे रही, 15-20 दिन बराबर आ रही। हाँ, 20 दिन पीछे आ रहा बराबर। तो बाबा अब तो खतौली जाना पड़ेगा आपको। चलो खतौली देख लगे, पेमेंट तो मिल जाएगा, खूब बढ़िया मिल रहा उसका। लेकिन अब चुनाव का समय तो नजदीक आ गया, वोट किसको डालेंगे? खतौली तो आपको मेरे ख्याल से जाने में समय लग जाएगा। लोकदल को तो वो लगता है कि लोकदल आएगी तो फिर पेमेंट समय पर मिलेगा? ये पता नहीं कौन सा पहले, ये भी कहने को कहे, विकास तो कहीं यहाँ से कुछ है नहीं ब्लॉक का, ये रोड देख लो कैसी रिंग है, लिकट जो देख के पास भी हो जाओगेगा। विकास कुछ पहुँचा नहीं? ना जी, यहाँ कुछ नहीं है। योगी सरकार अच्छी नहीं लगी आपको कुल मिला? नहीं, सरकार अच्छी है, काम भी बतरे कर रही पर नहीं करती काम का, यहाँ काम काज नहीं कर पा रही, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल पा रहा। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। किसान को क्या माना जाए अब, खुशी में माना जाए या दुखी में माना? दुखी में। दुखी में? बहुत ज्यादा दुखी। तो भाई साहब बैठे कह रहे कि पेमेंट तो लगातार आ रहा है तो आप दुखी क्यों हैं? नहीं, पेमेंट को क्या खा ले, इन आवारा जो पशु भी उन्होंने कई लाख रुपया नुकसान तो केले को मुझे दे दिया, ये बटे सारे के सारे बता देंगे। तो क्या मतलब, क्यों ये आवारा पशु कहाँ से अचानक से आ गए? आवारा पशु इन्हें योगी ने रोक लगवाई थी इन पे, तो आवारा पशु ये गाड़ू मुख फिरे, पहले इनका कटान हो जाता, अभी इनका कटान नहीं हो रहा 5 साल से, तो बहुत भारी नुकसान है हमें तो इनसे, सारा खर्चा उसी में निकल जाता उनको रोकने। तो विकास की अगर मैं बात करूं आपके गांव में, आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास पहुंचा है? विकास हमें तो कहीं देख नहीं रहा। तो वोट किसको डालेंगे? वोट लोकदल को देंगे। लोकदल को? तो उम्मीद की जाए कि लोकदल आएगा तो सब कुछ बेहतर होगा? हाँ, उम्मीद है, 100% उम्मीद है। योगी सरकार से क्या नाराजगी, मतलब कुछ कमी तो नजर आई? कमी तो बता दो ना, आवारा पशु कमी है, बहुत मोटा नुकसान है आवारा पशु से, बहुत ज्यादा भारी नुकसान है। बाकी गन्ने की पेमेंट आ रही है? गन्ने की पेमेंट खतौली फैक्ट्री की आ रही है, गांगडोली फैक्ट्री की आ नहीं रही, पिछले साल का भी रुका हुआ। तो लगता है सबको मिला करके खतौली जाना पड़ेगा, वो भाई साहब पेमेंट करवाएंगे। भाई साहब एक आप ही अकेले खुश नजर आ रहे हैं, बाकी सब तो बड़ा परेशान है। भाई हम तो खुश इसलिए है, खुश है मतलब मजा आ रहा सब बातों का, भाजपा को वोट देकर मजा आ रहा, सच में को वोट देकर मजा आ रहा है, पेमेंट इनकी तो आ रही है, आप बताइए आपकी पेमेंट पहुंची? भाई सरकार बहुत बढ़िया है, सबसे पहले अपनी जान है, ये कटवे फिर हैं भाग गए, इनके घर में बड़ काट लेंगे, 10 घंटे बिजली आवे, दिन दिन मरे मरे, सारी सुविधा सब कितनी मंजूर हो करती, बहुत बढ़िया काम कर रहा, काम बढ़िया कर दिया। हाँ, सारा बढ़िया कर रहा। लेकिन किसान ऐसा नहीं लगता कि कुछ, कई लोग परेशान है, अभी आप ही के सामने आपके आस पड़ोस के लोग हैं, वो कह रहे हैं भैया थोड़ी सी तो परेशानी है आवारा पशुओं की इन सब चीज़, या तो परेशानी थोड़ी घनी आवे पशु का, योगी ने अपना घर छोड़ दिए, किसान छोड़ रहे पशु भी,
छोड़ रहे किसान ही। और अब मेरा गाय हट के दूध है, ठहर के उसका बछड़ा छोड़ दिया, अपने घरों आने का रखो भी कहीं भी और पशु नहीं है। योगी ने बनाया दिए, मोदी ने बनाया दिया और पशु बनाए तो बनाई। क्या लग रहा है वोट किसको देना? भाजपा को देंगे, भाजपा को वोट देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। हाँ बताइए बाबा जी, दो है की भाजपा की? दो हो गए भाजपा के, तो मतलब गांव से आप दो ही वोट पड़ेंगे भाजपा? नहीं पड़ जाएंगे 1000-1200 वोट। 1000-1200 सबसे ज्यादा वोट किसके पड़ेंगे गांव में? लोकदल के। लोकदल के भाई साहब सुन लीजिए, कह रहे लोकदल को ज्यादा वोट पड़ेंगे, बीजेपी वाले तो अब कम ही रह गए हैं। क्यों भाई साहब? मैं ये उन भाई साहब से पूछ के आया हूँ, 13 महीने किसान आंदोलन रहा, आपके पड़ोस के घर से दो नेता पहुँचे दिल्ली, किसान आंदोलन चला 13 महीने, तो आप लोगों के मन में उस दौरान क्या चल रहा था कि हाँ उनके साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, हम तो गए थे। गए थे? गए थे। और ये बीजेपी वाले भाई साहब ये गए थे? ये नहीं गए। ये नहीं गए? अरे भाई साहब, तो ये फिर मतलब क्या कर रहे थे गाँव में? चौकीदारी कर रहे थे? ये पता नहीं क्या कर रहे थे, तो गन्ना छील रहे थे अपना। गन्ना छील रहे थे? हाँ। अच्छा अभी मैं उनके पास पहुंचूंगा। तो फिर जब 13 महीने तक वो सिर्फ अकेले गांव में बचे थे? नहीं, गांव में बहुत थे, काफी आदमी थे गांव में भी। आप 13 महीने वहीं पर रहे? नहीं, आते जाते रहे थे। अच्छा, तो मतलब ये रहा कि चलो गांव के दो नेता वहां पहुंचे तो हम भी वहां पहुंच जाए। गए हम तो कई बार गए। अच्छा, समस्या की वजह से पहुंचे या भाईचारे की वजह से पहुंचे? नहीं, हम तो भाईचारे की वजह से पहुंचे। भाईचारे की वजह से? समस्या तो अभी नुकी नुई है, जब भी नुकी नुई थी नुकी आवारा पशु होगी। अच्छा, अगर राकेश टिकैत या नरेश टिकैत बोले कि भैया तुम किसको वोट डालेंगे या हम जिसे बोले उसको वोट डालना, इस तरीके से कुछ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, सब अपनी मर्जी से अपना काम काज? अपनी मर्जी से कर रहे सब। ये इन भाई साहब से जो जिनका गन्ने का पेमेंट आ गया, इनसे आखिरी सवाल ले लेते हैं। भाई साहब, आप बता रहे हैं लोग कि 13 महीने में आप गए नहीं दिल्ली? नहीं भाई, गए हम तो गए नहीं भाई। अच्छा। हम तो अपने खेत में किसान अपने गन्ना छोले थे, अपना गेहूँ बो रहे थे। तो ये टिकैत साहब नाराज नहीं हुए आपसे कि यार आप गए नहीं? नाराज क्यों होंगे, वहाँ तो भदरा डंगा जा रहा था। अच्छा, गांव में भी तो चौकीदारी की जरूरत थी? हाँ, चौकीदार तो चाहता ना, गाँव की भी तो रखवाली जरूरी, चौकसी करनी पड़ी गाँव की, गाँव में तो निगाह रखनी पड़े ना। या फिर वजह कुछ और थी, पेमेंट तो लगातार आ ही रही थी? पेमेंट बराबर आ रही है, कचरा था भाग जा पेमेंट को। अच्छा, खतरा हो रहा था? क्यों भाई साहब, अब खतरा महसूस होता है बीजेपी की सरकार? कोई खतरा महसूस नहीं होता। अरे अंकल जी, उनको तो खतरा ही नहीं महसूस होता? सच में होता नहीं? नहीं होता? नहीं होता, पहले था, खेत में जाने से भी दिक्कत थी। पहले क्या कर लेते थे आपके साथ भाई? तो लूटपाट हमारे साथ क्या करेंगे? अरे मतलब लूटपाट कर लिया करते थे? लूटपाट हमारे साथ तो नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई। हाँ, गोरे में इधर इधर रास्ते रूट न दे। अच्छा, आपसे ज्यादा उम्र दराज अंकल जी है? क्यों अंकल जी, लूटपाट हो जाया करती थी आज से 5 साल पहले, 2017 से पहले? ईद भी हो? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। पेपर में ले आऊं बिजली कहूं तो मैं तो। अच्छा, आपको भरोसा? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भरोसा किस पे, बीजेपी वाले बंदे पर या फिर रालोद वाले? रालोद वाले पे है जी। भाई साहब आपको झूठा बता रहे हैं? क्या होगा, है झूठा, है झूठा। अच्छा, और कौन कौन से किस्से हैं जो ये झूठा गांव में फैलाते रहते हैं? या सरकारी सर झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं वहाँ से दिल्ली है, सारा काम कर दिया हमने, सिर्फ ये 3 कानून तो उन्होंने करे, अन्य मुकदमे जो कि तू है और सारा काम कानून है, कुछ नहीं करे उसमें। तो इन भाई साहब की तो पहुँच है, आपका भी काम करवाएंगे, आप इन तक अपनी शिकायत बता। यू चेयरमैन है कस्बे का, इसकी पहुँच लू है, मेरे को डर कर दे फिर मैं दौड़े रहेगा। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं बाबा जी? अरे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, गलत बोल रहा है। अच्छा, बाकी अगर मैं गांव में प्यार मोहब्बत की बात करूं, भाईचारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से? भाईचारा जो का तो बराबर है हमारा। ऐसा तो नहीं है बीजेपी वाले थोड़ा नाराज है रालोद? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो राकेश टिकैत के गाँव सिसौली में मौजूद थे, बुढ़ाना विधानसभा है, मुजफ्फरनगर जिला है, यहाँ पर हम लोग मौजूद थे, तमाम गाँव के लोगों से बातचीत करी, ये जानने की कोशिश करी कि किसानों की स्थिति क्या है। सभी लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी, सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और ये बताया कि गांव में हर कोई प्यार मोहब्बत के साथ रहता है, किसी में विचारधारा को लेकर के कोई मतभेद नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। सनाइस न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।